अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम। 70 और 80 के दशक में विलन बनकर मशहूर हुए लेजेंडरी एक्टर अमजद खान ने अपने करियर में कई लुभावने परफॉर्मेंस दिए। उन्होंने कई ऐसे किरदार गढ़े जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए, जिनमें से एक है गब्बर का किरदार। बॉलीवुड स्टार अमजद खान बॉलीवुड के आइकॉनिक खलनायक भी रहे। फिल्म शोले के ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, कितने आदमी थे जैसे डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। जहां अमजद खान रियल लाइफ में जितने बड़े विलन नजर आए, वहीं वो रियल लाइफ में एक अच्छे पति और पिता के रूप में शानदार भूमिका निभाते हुए दिखे। तो चलिए आज जानते हैं इस दमदार एक्टर की पत्नी के बारे में कि आज वो कहाँ है और किस हाल में है। अमजद खान का जन्म 27 जुलाई 1940 में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई में ही हुई। अमजद खान के पिता जयंत खान भी पेशे से अभिनेता थे। अमजद खान के छोटे भाई इम्तियाज खान भी अभिनय करते थे। अमजद खान बड़े पर्दे पर जितने अच्छे विलन थे, असल जिंदगी में वो उतने ही अच्छे पिता और पति थे। इनकी पत्नी शहला खान ने खुद इस बात का खुलासा किया था। अमजद खान अपनी पत्नी शहला को स्कूल के दिनों से जानते थे। दरअसल शहला और अमजद मुंबई के बांद्रा में एक दूसरे के पड़ोसी थे। जब अमजद खान कॉलेज में अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे थे और शहला 14 साल की उम्र में स्कूल में थी, लेकिन कम उम्र में ही अमजद खान उनके प्यार में पड़ गए थे। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए शहला ने बताया था कि अमजद खान और वो पड़ोसी थे। वो सिर्फ 14 वर्ष की थी जब अमजद खान अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि अमजद खान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो उन्हें भाई बुलाए। शैला ने ये भी बताया था कि अमजद खान ने उन्हें उनके नाम का अर्थ बताते हुए ये तक कह दिया था कि तुम जल्दी ही बड़ी हो जाओ क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। शैला खान ने आगे कहा कि वो सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ ही दिनों में शैला के घर पर शादी का प्रपोजल भेज दिया, जिसको उनके पिता दिवंगत लेखक और गीतकार अख्तर उल ईमान ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो शादी के लिए अभी बहुत छोटी हैं और ये उचित नहीं है। शैला ने कहा कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने की वजह से अमजद खान बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर ये मेरा गांव होता तो मैं आपके परिवार की 3 पीढ़ियों का सफाया कर देता। हालांकि इन दोनों के बीच बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ी और नजदीकियों को देखते हुए शैला खान के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए अलीगढ़ तक भेज दिया, लेकिन गब्बर यानी कि अमजद खान ने हार नहीं मानी और वो उनसे चिट्ठियों द्वारा जुड़े रहे। आखिरकार अमजद खान ने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1972 में ये कपल शादी के बंधन में बंधा और शादी के एक साल बाद साल 1973 में इस जोड़े के घर बेटे शादाब ने जन्म लिया। एक लंबे समय तक अमजद खान और शहला रिश्ते में रहे थे, जिसके बाद अमजद खान के माता पिता शहला खान के घर रिश्ता लेकर गए और शहला के पिता ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। शहला खान से शादी करने के बाद अमजद खान की किस्मत के सितारे चमक गए और उन्हें फिल्म शोले में गब्बर का रोल ऑफर हुआ। अमजद खान से पहले ये भूमिका डैनी को ऑफर हुई थी, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी, जिसके बाद अमजद खान को गब्बर की भूमिका के लिए फिल्म में लिया गया और आज ये फिल्म सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। फिल्म शोले ने अमजद खान की किस्मत रातों रात बदल दी। उनके गब्बर के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। पति की सफलता के बाद का एक किस्सा साझा करते हुए शैला खान ने कहा था कि ये शोले रिलीज होने के ठीक बाद वाला रविवार था। हम शादाब को जूहू बीच पर लेकर गए थे, तब मैंने देखा कि लोगों की भीड़ हमारी तरफ आ रही है। अमजद ने शादाब को उठाया और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भागो, बस भागो। इससे पहले के लोग हम तक पहुँच पाते, हम बड़ी मुश्किल से कार में बैठ पाए। फैंस का इस तरह से उनको घेर लेना कपल के लिए तो आम बात थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि बेटा शादाब ये सब झेले। बड़े पर्दे पर विलन की भूमिका निभाने वाले अमजद खान अपनी असल जिंदगी में बच्चों और दोस्तों के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। उनके करीबी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। अमजद खान भी अपने तीनों बच्चों शादाब, सिमब और बेटी अहलम से बहुत प्यार करते थे। परिवार के साथ अमजद की जिंदगी खुशहाल तरीके से बीत रही थी, लेकिन 27 जुलाई 1992 का वो मनोज दिन भी आया जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल हर दिन की तरह ही अमजद खान को शाम के 7 बजे किसी से मिलना था और वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में गए, जहां उनकी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। शैला खान ने बताया कि अमजद खान
उनसे हमेशा ये कहा करते थे कि वो आसानी से ये दुनिया छोड़कर जाएंगे। अमजद खान का जब निधन हुआ उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 48 वर्ष की थी। शैला खान ने ये भी बताया कि वो अमजद खान की फिल्में नहीं देखती हैं। उन्होंने कहा कि अब भी मैं अपने पति अमजद खान की कोई फिल्म नहीं देख सकती क्योंकि वो उन्हें अमजद की याद दिलवाती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।